अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत राज विभाग में संचालित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा आउटसोर्सिंग कार्मिकों ने बुधवार को भारतीय संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के बैनर तले विकास भवन परिसर में कार्य बहिष्कार कर धरना दिया और मांगों को पूरा करने की मांग की। धरना दे रहे कर्मचारियों का मांग था कि संविदा कर्मियों की समस्या का समाधान किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के अमर शुक्ल और मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा। हमारा नाम अमर शुक्ला। हमारा यहाँ कोई धरना नहीं है, हमने सिर्फ कार्य का बहिष्कार किया है और जब तक हम लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन में जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो सब लोग जैसे काम कर रहे थे वैसे ही काम करते रहेंगे, उसका क्लैरिफिकेशन आ गया है। और हमारे स्तर पे किसी को भी कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई थी कि आपका जो काम है कोई बाधा आएगी, तो ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं। मतलब कि वो सब लोग अपना काम पहले भी कर रहे थे और पिछले 4 महीनों 5 महीनों से लगातार सब काम हो रहा है, टाइम पे सब पेमेंट दी जा रही है, कोई ऐसी समस्या है नहीं।